सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए मां महागौरी की जय। अष्टम दुर्गा महागौरी माता गौर स्वरूप कृपा बरसाता राहु ग्रह से माता का नाता मां का पूजन भाग्य बनाता मां का स्वरूप है चंद्र समान अभय मुद्रा में दिति वरदान एक हाथ में डमरू को धारे तुझे मित्र शूल दुष्ट है। इनकी चार भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती है। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। महाशब्द का अर्थ असाधारण है और गौरी शब्द का अर्थ है गौर वर्ण वाली, यानी महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें प्रकाश चमकता है। माँ गौरी बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों की सभी जरूरतों को हमेशा पूरा करती है। ऐसा माना जाता है जो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं वो उनके सभी दुख दर्द को हर लेती है। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा करके अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। एक पौराणिक कथा अनुसार घट न घटे है एक बार देवी सती का हुआ था निधन, रहते उदास थे शिव भगवान सदा शिव नील तोड़ने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक अपनी समाधि में बैठे रहे। इसी बीच कारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा कर रहा था। तब देवताओं ने मां दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा वो भगवान शिव को
अपनी समाधि से बाहर लेकर आएगी। उसके बाद उसका शिव से विवाह होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोले भक्तों, माता महागौरी की जय। देवी सती तब धरा पर आई, पर्वत राज की पुत्री कहाई, शैल पुत्र नाम से जानी जाती, पार्वती भी वही कहलाती। एक दिन नारद घर को आए, पूर्व जन्म का याद दिलाए, चली है माता शिव को ध्याने, तप करके शिव को ही माने। भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उसके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माँ पार्वती ने भी सहमति व्यक्त की और अपने शाही निवास की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में गई। वहाँ पर तपस्या करते हुए कई हजारों साल बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठंड, मूसलाधार बारिश और तूफान सभी मौसम में लगातार तपस्या करती रही। कुछ समय बाद उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। करती रही माँ शिव की भक्ति, खोया है माँ ने सारी शक्ति, शिव ने लिया परीक्षा भारी, जान रहे थे सब त्रिपुरारी। एक दिन शिव दी है दर्शन, प्रसन्न हुआ है माता का मन, कहा शिव ने तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह भी जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सब कुछ जानने के बाद भगवान शिव पार्वती से शादी करने को तैयार हो गए। चूँकि माँ पार्वती अधिक तपस्या की वजह से बहुत ही दुर्बल हो गई थी, इसीलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा के पवित्र जल से माँ पार्वती को नहलाया। इस पवित्र जल ने माँ पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया और वह अपनी शक्ति और तेज को दोबारा पा लेती है। माँ दुर्गा के इसी रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। श्वेत वर्ण और तेज के कारण महागौरी रूप किया है धारण, श्वेत वस्त्र ही माता को भाए, हम सब माँ के महिमा गाए, श्वेत बैल का करती सवारी, माँ
से भी जाना जाने लगा। महागौरी सफेद कपड़े पहनती है और सफेद रंग की बैल की सवारी करती है और उनकी चार भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक के हाथ में एक त्रिशूल, कमल और डमरू रखती है। उनका चौथा हाथ अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देता है। माँ महागौरी हर जीव की रक्षा करती है। वे आपकी आराध्य देवी भी हो सकती हैं, जो अपने भक्तों की हमेशा देखभाल करती हैं और उनकी परेशानियों को भी दूर करती हैं। महागौरी का वाहन बैल है। उन्हें हमेशा एक बैल पर सवार दिखाया जाता है। बैल पर सवार होने की वजह से इनको वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। दुर्गम दानव का बढ़ा त्याचार, चहोर मचा है हाहाकार, सब आए तब भगवती शरण, तब माता ने दिया है दर्शन, माता ने तब दुर्गम सहारा, देवों को कष्टों से उबारा, शाकंभरी नाम की आधारण, माता करे दुखों का निवारण। महागौरी नमो नमः, माँ महागौरी नमो नमः, महागौरी नमो नमः, माँ महागौरी नमो नमः। जो करते माता की भक्ति, उनको मिलती राह से मुक्ति, अपने भक्तों का दुख मिटाती, सौभाग्य की देवी कहलाती। अष्टम दिन माता को ध्याओ, माँ महागौरी को मन में बसाओ, माँ के मंत्र का करो सब जाओ, मिट जाएंगे दुख संता। महागौरी नमो नमः, माँ महागौरी नमो नमः, महागौरी नमो नमः, माँ महागौरी नमो नमः। भक्तों, माँ महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है। इसीलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित है, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती है। महाअष्टमी के दिन बहुत
कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा पूड़ी खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दुर्गा अष्टमी पर माँ महागौरी को पूजा में सफेद फूल विशेष रूप से चमेली के फूल चढ़ाना चाहिए। इस शुभ दिन पर कन्या पूजन का नियम भी होता है। इस दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, फिर उनको खीर पूड़ी खिलाई जाती है, बाद में उनकी पसंद की कोई वस्तु भी उन्हें भेंट की जाती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। ओम देवी महागौर्याय नमः, श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। प्रेम से बोलिए भक्तों।